गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। एग्जाम व्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले काफ़ी सारे सेशंस हमारे हो चुके हैं सिंपल टॉपिक्स के ऊपर, तो आज हम एक मेजर टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आओ चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम लिखो, परसेंटेज। परसेंटेज भी ध्यान समझना इस चैप्टर को, नहीं तो ये समझ नहीं आया तो गए फिर काम से। प्रतिशत, इसे कहते हैं परसेंटेज या प्रतिशत। इससे पहले कि सीधा मैं बोलूं ऐसे निकालते परसेंटेज या ऐसे करते हैं, उससे पहले जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स की दुनिया में इस चैप्टर का निर्माण करने की क्या आवश्यकता पड़ी। जैसा कि ये नाम खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, पर माने एक, सेंटेज माने 100, 100 में किसी एक चीज की बात ही क्या कहलाती है परसेंटेज। 100 के अंदर से किसी वैल्यू को देखना ही क्या है परसेंटेज। ये है इसकी डेफिनेशन कि प्रतिशत होता क्या है। अब ऐसे कैसे समझ जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेट से हमारे पास एक कंपनी ए है जो कोई काम करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, एंड देन एक और कंपनी है कंपनी बी, ये भी प्रोडक्ट्स बनाती है। भाई इनका जब रेवेन्यू या टर्नओवर इनके पास आया तो लेट्स से इतना आया, कितना आया, इतना आया, कितना आया, इतना आया। और इनके पास टर्नओवर कितना आया, इनके पास टर्नओवर आया, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का जो इनका टर्नओवर था वो था इतना। एक एग्जांपल है ये, समझेंगे आप बात को, ताकि आपको पता चले कि भी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये कंपनी ए की बातचीत है इस हिस्से में, और अगर हम इसकी देखें तो ये इसकी बातचीत है। ये है टर्नओवर के इनके। लेट्स से ये 2020 की बात है और ये 2021 की बात है, ये दो वर्ष 2020 की बात है और ये ईयर 2021, मतलब 2 सालों में मैं कंपैरिजन देख रहा हूं दो कंपनियों का। अब आप खुद देखो, एक बॉस आपके बॉस सामने बैठा है और आप क्या हैं, उसके अंडर काम करते हैं, और सारा ये जो कलेक्शन का मामला है वो आपने देखना है, और आपसे पूछता है बॉस कि भी बताओ, कंपनी ए में कि बताओ 2020 से हम में हमारा टर्नओवर कितना था। वो देखा इतना लाख, इतना हजार, इतना सौ, इतना। अच्छा अभी इस बार कितना है, इतना लाख, इतना हजार, इतना सौ, इतना, ऐसे तो बोलेगा। फिर बताओ अब की बार हम ये हमारी ग्रोथ कितनी थी, भाई इतना लाख, इतना हजार, इतना सौ, इतना। अब यहां पर सोचने वाली बात ये है कि अगर आप मुझे भी इस तरीके से बताएंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा। भाई आप बताने की कोशिश क्या कर रहे हो, भाई कितना लाख, कितना हजार, किससे क्या लेना है मुझे। आप शॉर्टेस्ट कोई तरीका है आपके पास बताने का, तो वो बोलता है कि भाई हाँ शॉर्टेस्ट भी है सर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में 20% का ग्रोथ मिला, 30% का ग्रोथ मिला, या 15% का ग्रोथ मिला, या क्या हो गया, कम हो गया। यानी बड़े बड़े आंकड़ों को आसानी से समझाने के लिए, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए और दूसरे को बताने के लिए ही इस चैप्टर का जन्म होता है, तभी कहते हैं इसको परसेंटेज। क्योंकि जब आप कहेंगे ना कि 20% का ग्रोथ हुआ है, तो आप बोलेंगे कि अगर मैं 100 रुपए कमाता था तो अब कितना कमा रहा हूँ, 120, 20% ग्रोथ कम से यही तो हुआ। यानी डेटा को समझने के लिए परसेंटेज आपको बहुत ज्यादा आसानी से काम हेल्प आपकी करता है। याद करो अपने स्कूल का टाइम, जब आप पेपर पास करते थे, 10th 11th 12th पास करते थे, तो आप क्या बोलते थे, आप ऐसा बोलते थे, अंकल पूछते थे मान लो पड़ोस में, बेटा कितने नंबर आता, तो आप ऐसे बोलते थे कि देखो अंकल जी 700 में से 600 इतने आए, या अंकल जी 600 में से या 700 में से 500 इतने आए, ऐसे बोलते थे। नहीं, आप ऐसे नहीं बोलते थे, आप बोलते सीधा 80% आए, 90% आए, 95% आए, 96% आए, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते थे। यानी चीजों को आसान बनाने के लिए इसका जन्म हुआ है। चीजों को 100 से देखना ही क्या होता है परसेंटेज, पहली बात। दूसरी बात, इस दुनिया की हर, इस यूनिवर्स की हर एक चीज शुरू में
कितनी होती है? 100%। कोई भी चीज इस दुनिया की, इस संसार की, जो भी हो, शुरुआत में खुद में कितनी होगी? 100%। इसके अंदर जब निकालोगे तो परसेंटेज 100 से घटती 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 पीछे होती चली जाएगी। इसके अंदर कुछ डालोगे तो ये परसेंटेज 100 से राइज करेगी। यानी कोई भी चीज अपने आप में खुद में कितनी है? 100%। क्लास के अंदर यदि 50 बच्चे बैठे हैं तो वो क्लास क्या है? 100%। अगर क्लास के अंदर फुल स्ट्रेंथ, लेट्स से फुल स्ट्रेंथ है 60 और बैठे हैं 40, तो अब क्लास 100% नहीं है, क्योंकि क्लास की फुल ऑन स्ट्रेंथ कितनी थी? 60 की, और अब कितने हो गए? 40। यानी कुछ परसेंट बच्चे मिसिंग है, कुछ परसेंट बच्चे क्या है? मिसिंग है। जब भी आपके पेपर में ये सवाल पूछेगा कि बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र है, या कक्षा में टोटल कितने थे, जब ये कुल वर्ड आएगा, टोटल वर्ड आएगा, यानी इसका मतलब आपसे 100% पूछ रहा है, वो आपसे खुद नहीं बोलेगा कि भाई मुझे 100% निकालो, ऐसा नहीं लिखेगा सवाल में। वो आपने अपना दिमाग लगाना है कि हमसे पूछ क्या रहा है ये। वो दिमाग कैसे लगेगा? वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर पे। पहली बात तो ये है, मैथमेटिक्स की दुनिया में कंप्लीट यदि कोई चीज पूछी जा रही है तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि वो हमसे 100% डिमांड कर रहा है। ठीक है, आइए अब सबसे पहले चीजें सीखने की कोशिश करते हैं एक-एक करके। हम सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इन फ्रैक्शन फॉर्म। प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मैंने लिखा आपके पास 100%, ये परसेंट का सिंबल है, फ्रैक्शन में चेंज कैसे होगा? देखो भाई, ध्यान समझना मेरी बात को। ये जो परसेंटेज है, परसेंट माने 100, ये अपने साथ कितना लाएगा? 100। जब ये 100 लाएगा, ये कहाँ चल जाएगा? नीचे। यानी ये जो परसेंटेज होता है ना, मैं यहां लिखता हूं, ये जो परसेंटेज होता है इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ही है 100 में 1, 100 में 1, ये है इसका मतलब। आई बात समझ में? परसेंटेज का मतलब कितना है? 100 में 1, पर माने 1, सेंट माने 100, 100 में 1। अगर आप इसको कट करें तो वैल्यू कितनी आई? 1। तो आपने क्या देखा, कोई भी चीज कंप्लीट कब होती है? परसेंट में, जब 100% के बराबर होती है, और वैल्यू में 1 के बराबर होती है। जब कभी भी आप 1/2, जब कभी आप 2/5, जब कभी आप 3/7 देखना, आप समझ जाना ये वैल्यूज कंप्लीट है ही नहीं, ये वैल्यूज कंप्लीट नहीं है। क्योंकि वैल्यूज कंप्लीट कब होती हैं? वैल्यूज कंप्लीट तब होती हैं जब वो 1 के बराबर होती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी अब फटाफट। अब नहीं समझाऊंगा ज्यादा, मुझे निकाल के बताओ 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मुझे बताओ 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मुझे आप बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। जल्दी जल्दी आंसर निकालो। उतने में मैं आपको सवाल निकालता हूं। परसेंटेज तो मैंने लाई नहीं इसमें। अच्छा कोई बात नहीं। परसेंटेज लाइनिंग परसेंटेज, चलो कोई नहीं। वैसे भी जनरल डिस्कशन होना है, क्या है हमारा परसेंटेज? 210। निकाले आंसर, देखूं आंसर क्या क्या आंसर दिए। 1/2, 2/5, 1/5, 1/10। भी अंजू ने बढ़िया जल्दी आंसर कर दिया आज, है शाबाश, सभी करो आंसर। आओ जरा देखते हैं क्या इस क्या क्या इनके आंसर। ये तो हो गया आपका कितना? 1।
ये कितना हुआ, 50% का मतलब कितना हुआ, 50/100। काटोगे तो कितना आएगा, 51 जा 50, 52 जा 100। 40% कितना हुआ, आप बोलेंगे सर 40% का मतलब कितना, 40/100, 0 से 0 कट, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ऐसे करोगे। 20% कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 20/100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 10%, 10 का मतलब कितना हुआ, 10/100, 0 से 0 उड़ा, वैल्यू कितनी छोड़ेगा, 1/10। मतलब ये बात सबकी समझ में आ गई कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हमें इस स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कई बार हमारा एग्जामिनर ऐसे फ्रैक्शन भी देता है, 6 सही 1/4%, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, मिक्स फ्रैक्शन विद परसेंटेज। जब पेपर में हमारे पास ऐसा सवाल आएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा, ये चीज आपको SICI में भी आएगी, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई करो उसको पहले ढंग से। तो आप लेंगे 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25/4, 25/4, साथ में क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब नीचे कितना डालेगा, 100। 25 से 100 4 बार में कटेगा और नीचे कितना छोड़ेगा, 1/16। तो जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में सवाल आते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज डालता है तो भी हमें नहीं डरना है, तो भी हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसका बताओ, 16 सही 2/3% को यदि मुझे कन्वर्ट करना हो तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 16 सही 2/3% को यदि हमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, बताओ। शाबाश, कर दिया आंसर, 1/6। ओके, मैं कंफर्म करता हूँ, सर 1/6, 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3% नीचे कितना ले आएगा, 100। 50 से 100 2 बार में, तो 1/6 इस सवाल का आंसर रहने वाला है। एक लास्ट करते हैं, 12 सही 1/2% को कितना लिखा जाएगा, 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करेंगे। 12:1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा कर दिया भाई, 1/8, वेरी गुड, बड़े फास्ट है, 1/8। तो 12 दुनी 24, 24 और 1 25, 25/2, इसे सॉल्व किया तो 25/2 आया, लेकिन परसेंट का 100 कहाँ गया, वो भी तो आएगा। 25 से 100 4 बार में, 4 दुनी 8, ये कितना आएगा, 1/8, ये आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम, अभी हम परसेंटेज से कहाँ जा रहे थे, फ्रैक्शन में। सॉरी, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे उल्टा, अब हम फ्रैक्शन से कहानी को शुरू करेंगे और उसको कहाँ ले जाएंगे, परसेंटेज में। फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भी 1/4 को कन्वर्ट करो, सुन लो बात ध्यान से। जब कभी भी किसी भी, इस बात को मैं शेयर करूं, जब कभी कभी भी किसी भी चीज का परसेंट फॉर्म पूछा जाए, किसी भी चीज का परसेंट फॉर्म पूछा जाए, जो भी वैल्यू हो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, आपका परसेंटेज आ जाएगा। किसी भी वैल्यू को यदि परसेंट में कन्वर्ट करना है, उस वैल्यू की सीधा मल्टीप्लाई करवा दी जाती है 100 के साथ। दैट मीन 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट आया, 25%। कितना आया, 25%। मैं आपसे पूछता हूँ, 1/5 का बताओ, चलो बताओ, 1/5 का बताओ। अच्छा बताओ, 20%। ओके, वही काम वही चीज दोबारा। मैंने कहा किसी भी चीज को परसेंट में ले जाना है, दी हुई चीज कुछ भी हो उसकी सीधी मल्टीप्लाई करवा दी जाती है, किसके साथ, 100 के साथ। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 20%।
ठीक है, मुझे बताओ 1/8 का कितना आएगा, 1/8 का। तो 1/8 का जब आप करने की कोशिश करेंगे, अब समझना थोड़ा गौर से, 1/8 का जब करेंगे तो कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी 25 बटा कितना आ गया, 4 सॉरी 2, 25/2%, 25/2 को देखते हैं कितना, 12 सही 1/2। अब देखो ध्यान से, 12 सही 1/2 भी लिखा हो सकता है, या फिर इसको 12.5 भी कहते हैं, क्योंकि 1/12 तो एग्जैक्ट रहेगा अपने स्थान पे, 1/2 कितना होता है सर, 0.5। तो पहला 0.5% इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी को पॉइंट में कन्वर्ट किया, इसको जब पॉइंट में कन्वर्ट किया तो इस वैल्यू के आगे लिखा, तो कितना बन गया, 12.5%। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, आइए एक और सवाल करो। 1/11 का निकालो जरा, चलो 1/11 का निकालो जरा, मिक्स फ्रैक्शन में भी निकालो और पॉइंट में भी निकालो। वन अपॉन इलेवन, अगेन वही स्टेप्स का यूज करेंगे, वही स्टेप का जो मैंने आपको स्टेप सिखाए, उससे बाहर नहीं जाएंगे, उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप जब करेंगे तो ये तो कट ही नहीं रहा होगा आपसे, तो ये बनेगा 100/11, क्योंकि सीधी गुण है तो वो नहीं है। 100/11 का मतलब कितना हुआ, 11 के पहाड़ा इसमें 9 बार में जाएगा, तो 11 नीचे रहेगा, ऊपर कितना बचा, 1। 11 सही 1/11, 9 सही 1/11%। तो अब देखो, 9 तो रहेगा चुपचाप अपनी जगह पर, अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना वो सिखा रहा हूं, लेकिन 1/11 कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप 11 की भाग 1 को लगाएंगे तो 1 बार में तो शुरू में जाएगी नहीं, जब आप पॉइंट लगाएंगे 1 0 आएगा, एक और 0 लगाएंगे तो बनेगा कितना, 11, तो 0.09% आ जाएगा फिर ये। ठीक है, हाँ 0.09% हो जाएगा, मतलब ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, सिर्फ इसी को लिखते हैं अलग, इसको पॉइंट लगा के आगे लिखा जाता है, जैसे भी होता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आइए अब हम धीमे धीमे से सवालों को चेंजेस, सवालों में अब थोड़ा सा दिमाग आपका खराब करना शुरू करेंगे। ओके चलिए, जब तक हमारे सवालों में पॉइंट्स ना आए तब तक मजा नहीं आता। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल, यानी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये कहना चाहता हूं मैं आपसे। अगर मैं पॉइंट लगा करके ऐसे देना शुरू करूं तो क्या आप करने में कामयाब हो इन टाइप के सवालों को, या आप डरते हो? 6 6 सीधा 6, नहीं भाई, नहीं, गलत है। फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर 2। काट काट लो काट लो, जब जब फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब होता है कम, जब तक कट रहा है तब तक पूरा काटना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना। अब सर देखो, 2 0 तो इसके पास ऑलरेडी है, ये तो नीचे आएंगे ही आएंगे। अरे भाई जब पॉइंट खोलोगे तो 2 0 आएंगे ना, यहाँ के परसेंट भी अपने 2 0 लाएगा, तो दैट मीन 2 0 और लग जाएंगे। अब इसको फ्रैक्शन नहीं बोलते, ये तो कट रहा है, जब तक ये ना कट, जब मतलब ऐसी स्टेज पर लाओ जब तक ये ना कटे, तो 2 3 6 2 से काटो, यहां कटेगा 5 बार, आगे लग जाएगी 3 0, यानी ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू 3/5000, इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। ये क्या है, इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म। ओके एक और करो, मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये करो जरा सॉल्व, 0.8%। अगर फिर नहीं किया ना तो फिर देखना आगे सवाल में अगर गड़बड़ की ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन भिन्न बनाओ इसका, भिन्न अंश बटा हर की फॉर्मेट पे पूछ रहा हूं मैं आंसर आपको। नहीं नहीं भाई, पॉइंट वाले आंसर पूछ नहीं रहा हूं मैं, आपको खुद कह रहा हूं कि फ्रैक्शन में बदलो इसको।
मैं पॉइंट में सवाल का आंसर चाह ही नहीं रहा हूं आपसे। कैसे हुआ? तो आप एक बार देखो कि देखो सर, 8 लिखा, 1 0 तो इसका आएगा ही है क्योंकि पॉइंट के बाद 1, लेकिन 2 0 परसेंटेज भी लाएगा। अगर आप इसको 8 के पहाड़ी से काटेंगे, 250 बार में कटेगा ये? नहीं, 250 नहीं, 250 बार में नहीं कटेगा, रुको, कटेगा ही 8 से, 8 एकम 8, 2, 125 बार में, सॉरी, 125 बार में कटेगा ये, 1/125। ठीक है? हाँ, आ गया कन्वर्ट करना, आ गया कन्वर्ट करना। ठीक है, इसी कड़ी में एक और चीज पूछता हूं मैं आपसे। अब आंसर पॉइंट में, मैंने आपको बोला 0.003%, इसका आंसर मुझे पॉइंट में चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मुझे इसका उत्तर पॉइंट में चाहिए। बताओ कितना आएगा? बताओ, आया? हाँ, अब ठीक है। और बिल्कुल सही। अच्छा, जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो, पहले बताता हूं लंबे तरीके से, फिर बताता हूँ शॉर्ट तरीके से। लंबा तरीका ये कहता है कि भी देखो, 3 0 3 लिखो, 3 0 निकालो यहाँ के नीचे, 1 2 3, फिर 2 0 निकालो परसेंटेज के, फिर 5 0 के बाद लगाओ डेसिमल। मतलब ये तो तरीका है भाई आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब बिल्कुल पुराना पिछड़ा हुआ तरीका। तो आपने देखना है पॉइंट के फॉर्मेट में, जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपने देखना कि परसेंटेज लगा है, पॉइंट लगा है, जितने पर ये पॉइंट लगा है 2 प्लेस आगे इसको सीधे खिसका दो। क्यों? कि परसेंटेज की 2 0 जब निकलेंगे तो इस पॉइंट को आगे धकेल देंगे सीधा ही। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये तो ऑलरेडी था ही था, हमें डेसिमल यहाँ पे कितने प्लेस पे दिख रहा है? 3। ये कितने पे दिखना चाहिए? वो 5 पे, तो 3 हो गए। ये हो गया सर 5 सवाल, खत्म। आई समझ में अब बात? ये शॉर्टकट समझ में आया? आउटडेटेड चीजें नहीं करो भाई, वो पुरानी चीजें जो ऐसे बच्चे की तरह खोल खोल के करते हैं, वो स्कूल के बच्चे करते हैं वैसे सवाल। आइए, अगला सवाल है, मुझे बताओ 1.414% को यदि मुझे पॉइंट में लाना हो तो कितना आएगा? बताओ, मुझे अगर इसे पॉइंट में ले जाना पड़े तो मैं कितना लिखूं इसको पॉइंट में? डायरेक्ट परसेंटेज को पॉइंट, परसेंटेज को पॉइंट के साथ खेलना। बस वही बात, वही बात एकदम फिर से रजत ने कर दी, थोड़ी गड़बड़ी। देखो भाई, ऊपर कितना दिख रहा है? ऊपर की फुल वैल्यू कितनी है सर? ऊपर की फुल वैल्यू है इतनी, 3 प्लेस ये ले चुका है, हमें 5 प्लेस शो करने हैं, 4 हो गए, ये हो गए 5 प्लेस पूरे। यही सवाल का आंसर है, क्या सोचने इसमें इतना? ठीक है, आपके पेपर में ऐसे लल्लू सवाल आते हैं, बोलता है 5 से 3/4 को परसेंटेज में बदल दो, बताओ कितना परसेंटेज है? बताओ, 5:3/4 इज व्हाट परसेंट? 5 से 3/4 कितना परसेंट है? ऐसे बुद्धू सवाल भी आपके पेपर में आते हैं। बड़ा हैरानी की बात है कि जो पेपर में सवाल डालते हैं, क्या सोच कर ऐसे सवाल डाले जाते हैं, ये एक सोचने का मुद्दा है भाई। नहीं किया? अरे गजब है भाई, मतलब आप मुझसे भी नहीं हुआ।
मतलब ये सवाल टफ है स्पीट में, अगर आपने भी दी कि 8 मिनट टफ है, यार इसमें क्या टफ है। मैंने कहा अगर आपको कोई चीज परसेंट पूछे तो गुणा 100, 5 चौके 20, 20 और 3 कितना हो गया 23, 23/4 गुना कितना करना है 100, तो 4 से काटा कितनी बार में 25, 25 थी 75, हासिल गई 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 कितना 575%। आप भी ऐसे काम करेंगे भाई? हाँ ऐसे काम नहीं करो भाई। चलिए आगे करते हैं, मैं आपके एक और पूछता हूं, अब की बात नहीं ध्यान से तो फिर देखना। 8 सही 3/5, इसको फ्रैक्शन परसेंट फॉर्म में बदलो। कोई आपके पेपर में हाई फाई सवाल नहीं आते हैं, VIP सवाल नहीं आते कि भाई हाँ कि भाई आप सवाल देखते ही परेशान हो जाओ कि भाई क्या सवाल डाला। ऐसे हाई फाई सवाल नहीं आते हैं, इजी सवाल आते हैं। 860। चलिए हम प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। 8 और 8 = 40, 40 और 3 कितना हो गया 43, 43, 5 से 100 कितनी बार में कटेगा 20, तो मैं सीधा कितना लिखूंगा यहां पर 20। समझ में आया? अरे समझ में आ, जब 500 को 20 बार में काट चुका होगा मत लिखो उसको, 20 लिखो सीधा। यहां से कितना बना इतना 43 दूनी कितना बन गया 86, 860 सीधा आंसर। मत बोलना कि सर ऐसे सवाल आते हैं, आए हैं ऐसे सवाल भी, तभी तो करवा रहा हूं। ओके अगला सवाल कर लोगे ना वैसे सवाल। मेरा सवाल है आपसे 5:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 5:4 को परसेंट में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 5:4 × परसेंटेज, 5:4 को परसेंटेज में तब्दील करें, 5:4 को परसेंटेज में बदलें। 125, वेरी गुड। सुनो जो नहीं जानते वो सुनो, मैथमेटिक्स की दुनिया में ये जो दो बिंदु बीच में लगे हैं इसका अर्थ होता है डिवाइड, इसका अर्थ क्या होता है डिवाइड। और मैंने अभी बोला अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो सीधा मटेरियल की किससे गुणा कर दो 100 के साथ, तो 25 × 125% इसका आंसर है। रेशो इसको कहते हैं अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने तो गुणा 100 करो और अपना आंसर फटाफट। और एक सवाल और, आज जो मैं सवाल कर रहा हूं ये बिल्कुल बेसिक सवाल है बिगिनर्स के लिए। मेरा सवाल है कितना है 20% of 2500, 20% of 2500, 2500 का 20% निकालो। 2500 का वो बच्चा निश्चित तौर पे क्रिमिनल है जो इस सवाल के लिए पेन उठा रहा है, वो बच्चा अपराधी है जो इसको पूरा सॉल्व कर रहा है साइड में कॉपी के ऊपर लिख के। ठीक है, अब वो क्यों है क्रिमिनल वो भी देखना, मैंने क्यों बोला क्रिमिनल। ऑफ शब्द का अर्थ होता है या का शब्द का अर्थ होता है क्या होता है सर, गुणा होता है। ठीक है, होता है ये परसेंटेज जब खुलेगा तो आगे के 2 जीरो को खा लेगा, तो 25 दूनी कितना बन गया 50, 7 में 1 और 0 500। ये तो दिमाग में करने वाला सवाल था, इसके लिए तो सोचना भी, पेन उठाना सोचना भी एक गुना से कम नहीं है। 75% of 90 करो जरा इसको, 75% of 90, 90 का 75% कितना होगा, 90 का 75% कितना होगा, 90 का 75% कितना होगा, 90 का 75%, जल्दी निकालो। ये कोई बहुत भयानक से सवाल नहीं है, और यूं भी मत कहना कि सर ऐसे सवाल आते हैं तो देख लेना फिर। 75%, 75% जो होता है वो कितना होता है 3/4, नहीं जानते तो ऐसे करो भाई, फिर 75/100 गुना 90,
जीरो से काटो, जीरो, ठीक है। मुझे लगता है ये पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि आप 5 से तो उसको काट लोगे 2 बार में, फिर 2 से काटने के लिए ऊपर कुछ नहीं है, मत काटो, गुणा करो। 5 9 45, 4 67, नीचे कितना 10, 67.5 इज द करेक्ट आंसर। हाँ देखो ना, अगर आप ये दिख रही है बात साफ साफ, अगर आपने इसको कट किया तो कट करने पर क्या होगा, 5 से ही कटेगा, नीचे 2 बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 15। अब लगे रहो फिर डिवाइड करने, जब आपको दिख रहा है कि पूरा नहीं कट रहा है छोड़ दो, 10 100 1000, 10 हजार का मामला जब होता है और उत्तर पॉइंट में हो, सीधा मल्टीप्लाई करो, पॉइंट लगाओ और आंसर सीधा सीधा ही, ठीक है। ज्यादा अपने आप को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन में अपने आप को मत डालो, कैलकुलेशन को अवॉइड करें। ओके सुनो मेरी बात को अब ध्यान से, मैंने बोला कि भी 9/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कोई नहीं करेगा इस सवाल को, मैं अभी आगे आपको सवाल दूंगा और भी, इस सवाल को फिलहाल कोई नहीं करेगा, सुनो मैं कुछ बताने जा रहा हूं, फिर अगला सवाल में आपने वो चीज अपनानी है। 66 सही 1/5, 56 सही 1/4%, ऑप्शन लिखने दो एक बार, 46 सही 1/6%, 46 सही 1/6%, 37 सही 1/7%, 37 सही 1/7%। इस सवाल के ऊपर नजर डालो, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये सवाल आपसे बहुत तगड़े वाली कैलकुलेशन मांग रहा है, परंतु आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैं आपको इस ऑप्शन से ही बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। आपको पता है कि गुणा किससे होनी है, 100 के साथ, ध्यान सीखना बात के क्या समझा रहा हूं मैं। जब आप काटने जाओगे तो 4 से काटोगे ना इसको, कितने से काटोगे 4, बस यहीं पर रुक जाओ, नीचे आना चाहिए 4 कि अबू को तो कटना नहीं है, बी आंसर। कितनों को समझ में आया ये बात, कितनी की समझ में आई कि भी कैसे निकाला आंसर इतनी जल्दी। अगर मेरे सवाल में, अगर क्योंकि आप इसको काट लो फिर ऊपर कुछ नहीं कटने वाला, अगर आपके सवाल में 2 ऑप्शन 4 लेकर के नीचे बैठे होते, इट मीन तब इस सवाल को आगे करने की जरूरत थी। लेकिन एग्जामिनर आपको क्या कह रहा है, अपना दिमाग मत लगाओ, मेरे ऑप्शन से नकल मारो, तो आपने नकल मारी और आपका आंसर मिल गया। अब कोई कुछ होते हैं बच्चे ऐसे भी कि भी मैं नहीं मानूंगा कि भाई ऐसा आंसर आए कि नहीं आएगा, तो वो तो मूर्ख है फिर जो अभी भी नहीं मान रहा, करके दिखा देते हैं फिर। 25 25 × 9 कितना हो गया, 25 × 9 हो गया सर 225/4। अब 4 की भाग लगाए इसने आराम से, तो 5 चौके 20, ठीक है, 6 चौके 24, लो यही तो कौन सी कहानी, गाड़ी घूम फिर के, क्यों अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो इसको सॉल्व करने में, अपने समय को बचाओ, आपका समय बहुत ज्यादा नहीं आपके पास कि हाँ हम तो बहुत वो हैं, समय को बचाना सीखो। ओके यानी अब मेरे को पता है आपको मैं क्वेश्चन लिखूंगा ऑप्शन से उड़ा देंगे, परंतु सबसे पहले मैं अब क्वेश्चन के ऑप्शन लिखूंगा, सबसे पहले 87 सही 1/5/6%, 87 सही 5/6%, क्वेश्चन बाद में लिखूंगा, 76 सही 1/8, क्योंकि आप उड़ा देंगे देखते देखते सवाल को, मैं सबको मौका देना चाहता हूं, 63 सही 8/9%, अगला है 67 सही 4/7, 67 सही 4/7%। अच्छा ये तो आपने दिया, सवाल क्या है सर, सवाल तो लिखो, सवाल 23/36 को कन्वर्ट करना है भाई परसेंटेज में, 23/36 को, अगर किसी ने 5 सेकंड से ऊपर का समय लगाया, इट मीन वो बात को नहीं समझा, 5 सेकंड से भी ऊपर का समय लगना गुनाह है इस सवाल के लिए, कर लिया सभी ने गुनाह, एक ने भी आंसर नहीं किया, इट मीन आप मेरी बात नहीं समझे। सी बिल्कुल सही आंसर, सी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सी ही तो आएगा, और कैसे उलझेगा सवाल, ये देखो सॉल्व करने के लिए गुणा 100 आएगी, 4 से 9 बार, बस छोड़ दो ऊपर नहीं कटने वाला फिर कुछ भी, सी आंसर।
ये है हमारी हाईटेक तरीके से सॉल्व करने का तरीका। ओके, ये देखो, आप बोलते हैं ना पेपर में आता है पटवारी का सवाल, 2 सही 3/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, करो कन्वर्ट। पटवारी 2019 का सवाल है, 2 सही 3/2 को प्रतिशत में बदलें, 2 सही 3/2 को प्रतिशत में बदलें। अब नहीं मेरे से करवाओ आप सॉल्व, समझ गए आप, अब खुद करो। 2 सही 3/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है भाई, अगर आपने नहीं किया तो फिर देखना। नहीं, 350 राइट आंसर, 350 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, यहां से तो निकलेगा 7। ये 200 को कितनी बार में काटेगा, 50 बार में, तो कितना आया 350। जिसको मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है वो लंबे लंबे स्टेप्स लिख के कर सकता है, लेकिन आएगा आंसर यही। नेक्स्ट है मेरा सवाल आपसे कि मुझे बताओ 2/5% की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी पेपर में पूछा है। 2/5% को सॉल्व करके कितना आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, इसका भिन्न रूप पूछ रहा हूं मैं आपसे, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस थिंग, फ्रैक्शन फॉर्म बताएंगे आप मुझे इसकी क्या होगी, फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। तो बताओ, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, अभी तो सिखाया, ये परसेंट अपने साथ कितना लेकर के आएगा, 100, 2 के पहाड़े से कितनी बार 50, तो 1/250 इस सवाल का साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा होगा आपको भी। किया सबने, किया 1/250, शाबाश। ठहरो ठहरो, ये देखो सवाल है, 0.025 को परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 0.025 को परसेंट में कन्वर्ट करो, और मुझे आंसर पॉइंट में चाहिए। इसका आंसर किस में चाहिए मुझे, पॉइंट में, फ्रैक्शन में चाहिए आंसर, आंसर पॉइंट में देना। .5.0025, अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं यार, एक ही क्लास में सबको पढ़ाया जा रहा है, कुछ अलग दे रहे हैं कुछ अलग दे रहे हैं, ऐसा कैसे। देखो सर, अगर परसेंटेज में किसी चीज को दुनिया में कन्वर्ट करना है तो मतलब क्या हुआ, 100 की मल्टीप्लिकेशन लगेगी, और मैंने कहा कि सवाल का उत्तर मुझे पॉइंट में ही चाहिए, किसमें चाहिए, पॉइंट में चाहिए, फ्रैक्शन में ही चाहिए। तो अब भी अभी सिखाया कि यहां पर अभी कितने प्लेस के बाद है सर, अभी तो 3 के बाद दिख रहा है, कितने, दो दो प्लेस और बढ़ाने हैं लेफ्ट की तरफ, तो दैट मींस अब कितने में लगेगा, 5 खत्म सर, यानी ये होगा परसेंटेज में पॉइंट में इसका आंसर। ठीक है, गलती नहीं करो भाई, तो क्या सीख रहे हो आप, फिर गलती तो दोबारा दोबारा दोहरा रहे हो आप हैं। अगर हम गलतियों से सीख नहीं लेंगे तो फिर हम कर क्या रहे हैं क्लास के अंदर, फिर तो हम समय नष्ट कर रहे हैं ना अपना, तो कृपया समय नष्ट ना करें। अब आ जाओ अगला सवाल की तरफ, 2 is what % of 50, 2 is what % of 50, हिंदी में से लिखते हैं, 2/50 का कितना प्रतिशत है, 2 is what % of 50, 2/50 का कितना प्रतिशत, यानी लेवल बदल गया क्वेश्चन का अभी यहां से आगे, यानी
अब क्या बोल रहा है, कहता है कि बताओ दो जो है ना वो 50 में के अंदर में कितना परसेंट हिस्सा रखता है अपना। इसका सीधा सीधा ट्रिक ये है, सीधा सीधा ट्रिक, ऑफ के राइट में जो लिखा हुआ है वो तो लिखना है सीधा नीचे की तरफ, इसके अलावा जो बचा वो लिखना है ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाइड बाय 100। या फिर साधारण भाषा में जिस चीज के अंदर से पूछता है वो लिखी जाती है नीचे, जिस चीज को पूछता है वो लिखी जाती है ऊपर। प्रतिशत में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन आस्किंग वैल्यू को ऊपर रखा जाता है, गिवन वैल्यू या जिसके अंदर से पूछ रहा है उसको कहाँ रखा जाता है, नीचे, और गुणा क्या लगाई जाती है, 100। तो कितना आया, 50 से कटा दो बार में, यानी कितना, 4% आंसर। 2 50 का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलेंगे सर 4%। कितनों को यह बात समझ में आई, हिंदी मीडियम वाले भी ऑफ से पता करें, कई बार का को आगे पीछे भी कर लेता है लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं होता, ऑफ के ठीक पास में जो है वो जाएगा ठीक नीचे, उसके अलावा जो बचा वो जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कितना, 4% इज योर राइट आंसर। ठीक है, 15 34 का कितना प्रतिशत है, 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 34, 15 34 का कितना प्रतिशत है, 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100। आंसर्स पॉइंट में है, आंसर्स पॉइंट में है, मैं उन आंसर्स को लिख देता हूं क्योंकि अगर वो आंसर आपके सामने होंगे तो काम जल्दी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा, देखना ये सवाल जरूर कैलकुलेटिव है परंतु हम देखना दिमाग लगाते ही नहीं है बिल्कुल भी। 44.1 आएगा ना, 1 1, हम ऑप्शन देखना कैसे करें इसको, 64.62, 45 पॉइंट कितना, 1 10, मतलब 45.10। देखो अभी अभी समझाया, ऑफ के ठीक पास कौन है, 34, यानी 15 को पूछ रहा है, 15 को पूछ रहा है, 34 के अंदर से पूछ रहा है, तो 2 से काटा सर 17 बार में, 2 से काटा 50 बार में, 750/17, 17 का पहाड़ा 75 तक, 4 बार में जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, क्योंकि 17 चौके कितना होता है, 68। बस 4 से 2 ऑप्शन है, एक स्टेप डिवाइड का और लगा लो, आंसर खुद सामने आ जाएगा। जब 17 से 75 को बाहर करोगे 4 बार में जाएगा 68, 68 बनेगा, 75 में से 68 गए तो बचे 7, 7 का बनेगा आगे 70, तो 17 चौके 78, फिर से 4.41 करने की भी आवश्यकता यहां से आगे फिर नहीं है। ठीक है, हाँ शाबाश, समझ गए। आपको जो कैलकुलेटिव लगता है वो कैलकुलेटिव नहीं होता भाई, आपको जो लग रहा है ना कि कैलकुलेटिव होता है, आपके पास वो तरीका नहीं है चीजों को देखने का, तो आपको लगता है भाई पता नहीं कितना टफ है, लेकिन सवाल टफ नहीं है, थोड़ा सा माइंड और लॉजिक लगाना सीखना पड़ेगा तो चीजें आसान है। सवाल है मेरा, 5 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना परसेंट है, 5 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना परसेंटेज है, अपने दिमाग को खुला रखो, ये सवाल वैसा नहीं है, एक चीज का यूनिट अलग है, एक चीज का यूनिट अलग है, डायरेक्टली सॉल्व करने की गुस्ताखी मत करें। जब तक इन दोनों के यूनिट को सेम नहीं किया जाएगा तब तक इस सवाल का आप बाल भी बांका नहीं कर सकते, यानी यूनिट्स को सेम करो जल्दी, यूनिट सेम करो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में है 1 मीटर में है, ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना, यूनिट्स को तो सेम करना पड़ेगा आपको। देखो तरीका क्या है कि सर ऑफ के पास क्या है, 2, यानी 2 आएगा नीचे, मुझे बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 2 मीटर में कितने सर, 200। अब मैंने सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ले आया,
अब डायरेक्टली सॉल्व करो। दो से दो उड़ा, आंसर कितना आया? 2.5%। ठीक है, लग गया ना पता। यानी यूनिट्स को सेम करना होता है, यानी हमें ऐसे सवालों में यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक सवाल आपके लिए, एक सवाल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस सवाल को नहीं कराऊंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए अब है? अब नहीं करवाऊंगा भाई। 50 ग्राम 2.5 किलो का कितना परसेंट है? 50 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? इस सवाल को नहीं भाई मैं कराने वाला। जैसा भी लगे आपको, सुन के अच्छा लगे बुरा लगे, सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। इस सवाल को स्वयं सॉल्व करें। 3-4 सवाल करवाने पर भी अगर सवाल के उत्तर नहीं आ रहे हैं, इट मीन बहुत ज्यादा दिक्कत है फिर। शाबाश। नो, पचास ग्राम 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है? 2.5। ओके, बाकी टू, दो भी कह रहे हैं, 2.5 भी कह रहे हैं। अच्छा, मतलब करवाओगे आप मुझे सवाल को भी? दो, दो मेजोरिटी में आंसर आ रहा है, इट मीन दो ही होगा। परंतु मुझे आंसर इसका याद नहीं है, मुझे तो करके देखना पड़ेगा। तो देखो भाई ध्यान से। हाँ देखो, ये हो गया कितना, 50 ग्राम को पूछ रहे किससे? 2.5 किलो। 2.5 किलो का मतलब कितना हुआ? 2.5 गुना, मतलब 2.5 किलो का मतलब, मैं इसको सिंप्लीफाई लिखना चाहता हूँ नीचे, 2.5 का मतलब कितना, 25/10, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किसकी गुणा? 100 की। यानी कितना बन जाएगा ये? 2500। कितना बन जाएगा ये? 2500। देखो ना, 2.5 है, 10 आया नीचे, ग्राम का किलोग्राम का ग्राम का बनेगा 1000 की गुणा देने पर। बस हो गया सवाल, मल्टीप्लाई 100, यूनिट सेम करने पड़ेंगे ना। 25 से दो बार में उड़ा, 2% वाले बिल्कुल सही जा रहे थे। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अब हम सवाल है, व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। लगा पता है इस सवाल में कैसा लिख रहे? देखो सवाल, लैंग्वेज को ट्विस्ट एंड टर्न किया जाता है। 5% का 3% कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? लो अब करो। अब यहां पे कंफ्यूज कर रहा है, मैंने जो ट्रिक बताई उसको फॉलो करो, ऑफ के पास जो है उसे पकड़ो। दैट मींस ये कहता है कि भाई 5% रखो नीचे, 3% को ऊपर, इंटू 100। पहले आप खुद करो। कर दिया 6। ओके, बिल्कुल सही बात है। देखते हैं, 5% तो रहेगा सर नीचे की तरफ, ऊपर से किसको पूछ रहा है? 3% को पूछ रहा है। मल्टीप्लाई 100, परसेंट से परसेंटेज कट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां से 100 निकलेगा, यहां से भी 100 निकलेगा, आपस में कट हो जाएंगे। 5 के पहाड़े से कितनी बार में उड़ेगा? 20 बार में, 60%। आया नहीं आया? अरे भाई, परसेंटेज से परसेंटेज नहीं उड़ेगा, नहीं कटेगा, और उत्तर परसेंटेज में पूछा है, मल्टीप्लाई 100 भी आएगा। कर लो कंफर्म जिसने गड़बड़ की है एक बार, है ना। ये देखो सवाल,
व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84? 7 84 का कितना प्रतिशत है? या आप 7 84 का मत लिखो, उसको लिखो 84 7 का कितना प्रतिशत है? 84 7 का कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84? 84 7 का कितना परसेंट है? 60। ठीक है, पिछला आंसर तो आ गया, इसका आंसर निकाल दो जो नया दिया। व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84? 84 7 का कितना परसेंट है? वेरी इजी, अगेन इजी। पकड़ने का तरीका क्या है? ऑफ के ठीक राइट में क्या है? 7। दैट मीन ये कहता है कि 7 को लिखना है नीचे, इज ऊपर, परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, 1200% इसका सीधा सीधा उत्तर रहने वाला है। आप समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरे को एक बार हाँ ना में जवाब दें कि कहीं ओवरडोज तो नहीं होगी आपको क्लास की है? ठीक है भाई, ये जो दो क्लासेस एक साथ लगती हैं इसमें परेशानी तो नहीं है आपको? कि भी दुख हो किसी को कि सर एक साथ नहीं लगा पाते, थक जाते हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को? बता दो अगर किसी को है ऐसा डाउट। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बता रहे तो इट मीन खुश हैं सभी। चलिए अच्छी बात है, आज की क्लास में डाउट बोलो जल्दी इसमें, मैथमेटिक्स में। कल इसमें और आगे बढ़ेंगे हम अच्छे अच्छे सवालों पे, और ध्यान से सीखो इसको, क्योंकि यहीं से आगे आपका प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, लाइन से आएंगे सारे टॉपिक जो जो नाम मैंने बोले। नहीं है ना डाउट आज? नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट नहीं है, अच्छी बात है कि डाउट नहीं है, आप चीजों को समझ चुके हैं। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखा जा रहा है, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ, कल मुलाकात करेंगे आपसे ना। जय हिंद, जय भारत।